माफ करना दोस्तों, पहले आवाज के इस गड़बड़ में। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिज यूपी और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है सभी आप सभी बहुत अच्छे से जन्माष्टमी के त्योहार को मना रहे होंगे। जो आज की हम खबर लेके आए हैं वो बेहद हैरान कर देने वाली है और चौंका देने वाली है। उन्नाव पुलिस का एक कारनामा जिसने उन्नाव पुलिस की साख पर बट्टा लगा दिया। पुलिस को लेकर सभी की अलग अलग राय है क्योंकि पुलिस का और सबका अलग अलग विश्वास है। जिसके साथ पुलिस का जैसा अनुभव होता है वो वैसा ही पुलिस अपने लिए राय बनाता है। किसी के लिए पुलिस जो है वो घूसखोर उसको दिखती है, किसी को लगता है उन्नाव पुलिस अगर किसी की पुलिस किसी का समस्या का समाधान कर देती है तो उसके लिए वो रक्षक बन जाती है। वहीं किसी को उसके लिए राय होती है कि अरे पुलिस वाले गलत कर देते हैं, तो जिसकी जिसका जैसा अनुभव वो उसी अनुभव से पुलिस की राय बनाता है। अक्सर आपने देखा होगा जब भी कोई अधिकारी बदलता है पुलिस का, या कोई बड़ा अधिकारी आता है जिले में भी, या मुख्यमंत्री जब नया आता है तो वो सबसे पहले पुलिस वालों पर एक फरमान जरूर जारी करता है कि हमें जनता के बीच अपनी अच्छी छवि बनानी है, किसी निर्दोष को पकड़ा ना जाए और कोई दोषी बचे ना, उनका यही मकसद होता है। लेकिन फिर भी कुछ पुलिसकर्मियों का ऐसा कामकाज होता है कि वो उनकी साख पर बट्टा लगा देता है और फिर उससे अलग अलग तरह की निगेटिव इमेज जो है उन्नाव तो पुलिस की लोगों के मन में बनती है। फिर से एक बार ऐसा ही कुछ हुआ है। उन्नाव पुलिस का एक कारनामा है जिसने लोगों को मन में एक बार फिर से पुलिस के लिए थोड़ा सा शंकाएं बढ़ा दी होंगी। दरअसल हुआ ये क्या है, उन्नाव में कुछ पुलिस कर्मियों ने झूठे वाहवाही हासिल करने के लिए चोरी के मामले में उन लोगों को जेल भेज दिया जिनसे चोरी का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में तीन लोग दिख रहे हैं। इन तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इन पर आरोप क्या लगाया कि ये चोरी के मामले में तीनों को गिरफ्तार किया और ये चोरी के सामान के साथ बकायदा इन्हें दिखा दिया कि चोरी के सामान के साथ पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। और आप देख सकते हैं किस तरह से तीनों चोरों को साथ पुलिसकर्मी फोटो खिंचा रहे हैं बकायदा, और ये फोटो फिर पेपर में सोशल मीडिया में सब जाए कि तीन चोर पकड़े गए हैं, किसानों की नाक में दम करने वाले तीन चोरों को आखिरकार पुलिस ने धर दबोचा। लेकिन जब इसका सच सामने आया तो जो पोल खुली उसने उन्नाव पुलिस की साख पर एक बहुत बड़ा धब्बा और बट्टा लगा दिया। अब कैसे ये खुलासा हुआ, क्यों पुलिस ने इन्हें पकड़ा, किस मामले में पकड़ा, ये सब हम आपको तफसील से बताते हैं ताकि आपको समझ में आए कि असल में हुआ क्या और क्यों पुलिस ने फर्जी मामले में इनको पकड़ लिया और कैसे अब ये सब खुलासा हो गया। कहां का मामला है सबसे पहले आपको बताते हैं। ये पूरा मामला है उन्नाव के बारासगवा थाना क्षेत्र का। यहां पर चिलौली में, जो बारासगवा थाना क्षेत्र के चिलौली में 6 अगस्त को इंजन चोरी के खुलासे को लेकर थाने में तैनात थाना अध्यक्ष ब्रजमोहन सैनी, SI रवीन मालवी, सिपाही किशन पाल, निशांक यादव, अमरजीत असलम खान, समर बहादुर, ये सभी सिपाही और दो एक थानाध्यक्ष ब्रजमोहन सैनी और SI रवीन मालवी, इन लोगों ने कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के पूर्वा मीर के रहने वाले कबाड़ व्यवसायी सोनू सिंह चौहान का लोडर और उसके चालक कानपुर महाराजपुर थाना क्षेत्र के नौगवा के रहने वाले धर्मेंद्र, उन्नाव जिले के बारसगवर थाना क्षेत्र के भीखी खेड़ा के रहने वाले राम बाबू और उन्नाव के बारसगवर थाना क्षेत्र के टेढ़ा गांव के रहने वाले मोहम्मद वकील को लोडर सहित घरेवा पुल के पास से गिरफ्तार किया। लोडर में क्या था, लोडर में था 2 इंजन रखे हुए थे। पुलिस ने इन्हें इंजन चोरों के रूप में गिरफ्तार किया। इनके लोडर से 2 चोरी के इंजन बरामद हुए हैं और तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं जो लोडर मालिक है उसका कहना है कि पुलिस तो उसे गिरफ्तार करना चाहती थी लेकिन उसने किसी तरह से रुपयों के लेन देन करके अपने आप को बचाया और पुलिस ने उसे हाथ नहीं लगाया। उसने कहा भैया हमारा उस टाइम तो उसकी फंसी हुई थी, 3 लोग को गिरफ्तार पुलिस कर चुकी थी, तो ये था कि किसी तरह से अपने आप को बचाए तब अपने आप को साबित कर पाएगा कि वो चोर नहीं है। तो उसने जिस तरह से हाथ पैर जोड़ के ले दे के मामला रफा सफर करा के अपने आप को छुड़ाया। व्यापारी का नाम है सोनू सिंह चौहान, ये भी कानपुर के रहने वाले थे, तो 2 उन्नाव के रहने वाले थे और 1 लोडर चालक जो है वो कानपुर का रहने वाला था, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था। किस रूप में, इंजन चोर के रूप में। और इसके बाद खूब वाहवाही हुई, पेपरों में फोटो छपी और पुलिस ने भी
तो अधिकारियों ने भी पीठ थपथपाई क्योंकि कई दिनों से उस क्षेत्र में इंजन चोरी घटनाएं हो रही थी। तो तीन पकड़े गए तो भाई पुलिस की तारीफ करना तो बनती है, लेकिन ये जो चीज थी वाहवाही ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। जिस कबाड़ व्यवसायी सोनू सिंह चौहान को पुलिस ने ले देकर हाथ नहीं लगाया था, जिसका लोडर था, उसी पीड़ित कबाड़ व्यवसायी सोनू सिंह चौहान का जो था, चूंकि व्यापारी था तो बीजेपी नेताओं के साथ उसकी पहचान थी, उसने कानपुर मंडल के सरसौल के बीजेपी के महामंत्री अवनेश तिवारी को यह सब पूरा मामला बताया। अवनेश तिवारी का दरअसल वो व्यापारी सोनू सिंह चौहान करीबी था, उसने सारा माजरा अवनेश को बताया। उसके बाद अवनेश व्यापारी सोनू को लेकर यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के पास पहुंच गए। वहां पर तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को पूरा माजरा बताया गया कि पुलिस ने किस तरह से उन्हें झूठे मामले में फंसाया, उनका लोडर जब्त है, उनके तीन लोग जो हैं उनको भी पुलिस ने पकड़ रखा है, जबकि पूरा मामला झूठा है, चोरी से उनका कोई वास्ता दूर दूर तक नहीं है। सोनू सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष को शिकायती पत्र दिया। उस शिकायती पत्र में लिखा कि 12 सितंबर थाना क्षेत्र में छोटे इंजन चोरी हुए थे, जबकि जो पुलिस ने उनके लोडर से बरामद किया वो 10 हॉर्स पावर का इंजन है और बकायदा इसकी उनके पास रसीद थी, खरीद की रसीद थी, चोरी का इंजन नहीं था। लेकिन फिर भी पुलिस ने उनके जो दिखाए सबूत है वो नहीं माने और उनके तीन लोग, लोडर चालक और दो और मजदूर जो थे, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं लोडर भी पुलिस अब जब जाहिर सी बात है चोरी के सामान के साथ पकड़ा गया तो वो तो छूटना है नहीं। तो व्यापारी ने ये सब पूरा मामला जो है विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को बताया। सतीश महाना ने क्या किया, सतीश महाना ने इस जो शिकायती पत्र था सोनू सिंह चौहान का इसको आईजी रेंज, लखनऊ आईजी रेंज तरुण गाबा के पास भेजा और कहा कि भाई इस मामले की निष्पक्ष जांच करो, क्योंकि व्यापारी कह रहा है कि झूठे मामले में पुलिस ने उसके आदमियों को गिरफ्तार किया है और ये तो बड़ा संगीन मामला हो जाएगा अगर ऐसा है। लिहाजा विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से मामले के लिए आया था तो इसकी जांच होनी थी। आईजी के निर्देश पर हसनगंज सीओ संतोष सिंह को इस मामले की जांच सौंपी गई। जांच में संतोष सिंह ने पहले बांसवाड़ थाना क्षेत्र में पूरी जांच की, उसके बाद वो कानपुर के महाराजपुर गए, वहां से भी पूछताछ की और जांच में ये आया कि ये पूरा खुलासा जो है मामला झूठा है, इन तीनों का चोरी से कोई वास्ता नहीं है। सीओ की रिपोर्ट पर अब इस मामले जब झूठा साबित हो गया तो कार्रवाई भी करनी थी। सीओ की रिपोर्ट पर एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा ने थाना अध्यक्ष ब्रजमोहन सैनी, हल्का दरोगा रवीन मालवी, सिपाही अमरजीत, किशन पाल, निशांत यादव, समर बहादुर को लाइन हाजिर कर दिया है। यानी टोटल 6 लोग, दो मतलब कहें बड़े और 4 सिपाही इस पूरे मामले में अब के नजर आए, लाइन हाजिर किया गया है। लेकिन जो शिकायत करता है सोनू सिंह चौहान वो इस कार्रवाई से खुश नहीं, उसका कहना है कि लाइन हाजिर करने से क्या हुआ, इनके ऊपर, इन पुलिसकर्मियों के ऊपर वो सख्त कार्रवाई चाहता है। वहीं सरसौल कानपुर मंडल से भाजपा महामंत्री सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष तक गया था, उनका कहना है कि वो इस पूरे प्रकरण में जो सीओ है उन्होंने जांच तो सही की है लेकिन निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए, लाइन हाजिर से कुछ नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि अभी विधानसभा अध्यक्ष को पास जाएंगे और उनकी जांच की जानकारी देंगे कि जांच में ये निकला है पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं, उन्होंने झूठे मामले में लोगों को गिरफ्तार किया। अब अगर कार्रवाई सख्त नहीं होती है तो वो सही न्याय के लिए डीजीपी के पास जाएंगे और निष्पक्ष जांच की मांग कराएंगे। उनका ये कहना है कि जब तक पुलिसकर्मियों को, इन सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित नहीं किया जाएगा तब तक वो शांत बैठने वाले नहीं। बहरहाल इस मामले के जब उजागर हुआ तो हर जगह अब उन्नाव पुलिस का चूंकि साख में बट्टा लगा है तो तरह तरह के लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं और उन्नाव पुलिस की हर जगह कहीं तरीके से जो अच्छे काम है उनको भुलाकर अब ये काम जो है चर्चा का विषय बन गया। आपके हिसाब से जो लाइन हाजिर की कार्रवाई हुई क्या सही है या और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि और जो पुलिसकर्मी हैं उनको एक संदेश जाए कि भाई नहीं, किसी को फर्जी मामले में फंसाना सही नहीं है। वैसे भी हमारे यहाँ एक वो रिवाज टाइप का कहें या एक माना जाता है कि भले 10 निर्दोषी छूट जाए लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए।
फिर भी यहाँ तो तीन तीन निर्दोष थे जिनका चोरी से कोई वास्ता नहीं था और उन्हें जेल में डाल दिया गया। प्रेस नोट जारी कर दिया गया, चोर ये तीन चोर पकड़े गए हैं, ये तीन लोग जो आपको दिख रहे हैं इन तीनों को ही फर्जी मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो अब क्या आगे होता है ये देखना है। वहीं जो अफसर हैं उनका कहना है कि इस मामले में अभी जो लाइन हाजिरी कार्रवाई हुई है वो तो हुई है, लेकिन बहुत जल्द और जो सख्त कार्रवाई इन पुलिस कर्मियों के ऊपर देखने को मिल सकती है। देखना है कब वो सख्त कार्रवाई होती है। बहरहाल ये खबर जो थी वो हैरान कर देने वाली थी कि पुलिस ने किस तरह से तीन निर्दोष लोगों को जेल में डाल दिया। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब से थोड़ी देर बाद जन्माष्टमी का जो कि श्री कृष्ण जन्मला के जन्म का जो उत्सव मनाया जा रहा है अलग अलग मंदिरों में, उन मंदिरों से कुछ हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, उन्हें दिखाएंगे लाइव, तो देखिएगा और जुड़िएगा। और सभी को जन्माष्टमी की एक बार फिर से शुभकामनाएं। देखते रहिए यूनिज यूपी। और आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।